कोंगन व्यू पॉइंट, यहाँ पासी का तो बहुत बाहर बाहर से मैंने स्पेशली आसाम से व्यू को देखने आता है। वो व्यू से पूरा सियांग और कोंगन बस्ती को दिखाई देता है, इसलिए कोंगन व्यू है उसका नाम। आप यहाँ से देखते हैं पासीघाट से आती है 1 किलोमीटर कुछ ऐसे दूर है, बहुत सुंदर व्यू है। पासीघाट से आता ही साथ साथ आसाम से भी आता है, आसाम छोड़िए बाहर से जो पासीघाट विजिट करने आता है वो भी इसको देखने आ जाता है। ये कोंगन व्यू पॉइंट का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देगा आपको यहाँ से, वहाँ से यहाँ से नहीं। तो आइए आप व्यू पॉइंट का इन्जॉय कीजिए व्यू को। बोलता है, एक समय बहुत छोटा था बोलते हैं इसको, बट अभी जब जब बारिश गिरता है तो ये ब्लॉक होना श्योर हो जाता है। अभी इसका ब्रिज भी बन रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा होगा, लेकिन कब कंप्लीट होगा मालूम नहीं। वेलकम टू अपर सियांग। गेट तो बहुत सुंदर से बना है, ये गेट आपका अपर सियांग और सियांग का बाउंड्री है। और आप जहाँ देख रहे हैं ये ज़मीन, ये आसमां, ये अभी अपर सियांग का हो गया। तो ये आपको रास्ता सीधा यिंग्क्योंग मारियांग अपर साइड ले जाएगा तूतिंग, और जो ये चौराहे देख रहा है यहाँ से अभी हम लोग मछली मारने जाएगा। यहाँ से आप जाएगा तो पोंगिंग और जेरू चला जाएगा, वहाँ एक छोटा सा आपको आयरन ब्रिज हैंगिंग ब्रिज मिलेगा, इस साइड जाएगा तो आपको वो रास्ता थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो पोंगिंग होगा। वो बांग छोटा भाई बंसी, इसको क्या बोलेगा, डन डन बंसी के लिए डंडा काट रहा है। सो फाइनली बंसी का डंडा खत्म हो गया, अभी नदी किनारे मिलेगा आप सभी को। बोलो तो या तो कही। सो फाइनली खत्म हो गया मेरा बंसी का डंडा, अभी करने जाएगा शिकार मछली का। ऐसे ब्लॉगिंग करेगा सोचता है, लेकिन अपना नेचर में ऐसा नहीं है ना, इसलिए जस्ट अस्ते से। फाइनली बंसी का डंडा खत्म हो गया, अभी हम लोग मछली मारने जाएगा। आप भी आइए धीरे धीरे, देखते रहिए कैसे करके मछली मारता है। ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं ये सब। सो वो है हैंगिंग ब्रिज जहाँ पे हम लोग जाएगा, उसका सामने सो आगे आगे प्लाटून जा रहा है, और पीछे पीछे प्लाटून का बॉस देखता है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा दिन को निकालने से भी ठीक था। और जो ये आप नदी देख रही है, यमुना नदी है, बहुत बड़ा नदी है, एक्चुअली बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी है, बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी है सियांग रिवर का। और ये यमुना आयरन ब्रिज रास्ता, वहाँ पहले रास्ता वहाँ से था, वहाँ एक हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, पर जब से ये बना है तब से वहाँ का हैंगिंग ब्रिज में आदमी आना जाना नहीं होके वो सब सर के सब टूट गया। और एक हैंगिंग ब्रिज है पोंगिंग व्यू पॉइंट, जिसको आपको हम आगे को बताया था, वहाँ से अगर नीचे जाएगा तो आपको एक हैंगिंग ब्रिज दिखाई देगा, वो बहुत पुराना हैंगिंग ब्रिज है। आप अगर पोंगिंग व्यू पॉइंट में आते हैं तो उसमें एक बार जाके देख लीजिए। सो यहाँ से नाम के अभी वहाँ बैठ के ट्राई करेगा मछली पकड़ने का, मछली मिले या ना मिले वो अलग बात है, बट हम लोग ऐसे इंजॉय करने आए हैं।
अब मिलने से ठीक है, एक दो आधा दिन तो क्या बोलेगा, दे मिलने से भी उपाय नहीं है। आगे से लगा हुआ है मछली मारने में, एक दो ही मिला है, जितना नहीं मिला है बट एक दो भी बहुत सफिशियंट है। हम मुझे से वापस करने के लिए आया था, एक दो भी मिलेगा नहीं सोच रहा था। वहाँ मेरा पीछे मेरा छोटा भाई ओबांग अभी भी लगा हुआ है और हम यहाँ ब्लॉगिंग में लगा हुआ है। बोरिंग भी लग रहा होगा, मछली मारने के लिए आया था और यहाँ ऐसे ब्लॉगिंग वीडियो सीडियो बना रहे बोल के, बट क्या करेगा, मौसम ही ऐसा है। और वहाँ पे हम लोग का एक और आदमी बंशी मार रहा है, हम लोग तीन आदमी आया था। ये ओबांग, वो एक मुझे लड़का और हम यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उस साइड भी हम लोग का एक दोस्त कर रहा है, मछली मार रहा है। सिर्फ अभी तक दो मछली मिल रहे हैं, देखते हैं आगे जाके कितना मिलता है। इतना देर तक तो नहीं बैठेगा होगा साइड, जस्ट थोड़ा ऐसे टाइमिंग के लिए आया था। अभी थोड़ा मार के फिर हम लोग पासीघाट का और निकल जाएगा होगा। अभी ये साइड का हो गया, ये साइड में मान लिया, अभी उस साइड में थोड़ा जाके मारेगा, फिर उसका बाद वी विल गोइंग टू मूव बैक पासीघाट की ओर। मेरे हम सफ़र अभी आज ऑलमोस्ट बैटरी खत्म होने वाला है, सो ये आखिरी वीडियो क्लिप होगा बहुत कम मिल रहा है, सिर्फ दो मिला है अभी तक। और मिलने का कारण ये है कि हम लोग का जो काटा है ना, जो काटा हुक है, उसको जब हम यहाँ फेंकते हैं तो देख रहा होगा पानी का बहाव कितना तेज है, ये बहाव उसको यहाँ सेटल होने नहीं देता है, यहाँ रुकने नहीं देता है, सीधा यहाँ ले जाएगा और वहाँ तक पूरा बहा लेता है। तो क्या करता है कि वो जो हुक है वो यहाँ इतना पोटिंग नहीं कर पाता है, सीधा यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाता है। सो एक जगह पोटिंग होने नहीं देता है, एक जगह स्टेगनेंट होने नहीं देता है, पूरा स्पीड से ले जाता है। इस कारण शायद हमको लगता है कि
मछली को मौका ही नहीं दे रहे होगा खाने के लिए। एनी हाउ आज का सफ़र बहुत मज़ा था। अभी मेरा बैटरी भी ख़त्म होने जा रहा है। आगे को भी आपको जैसे बताया था कि ये मछली मारने के लिए ही नहीं आया था, बस ऐसे घूमने के लिए आया था, ये मौसम का थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए आया था। तो मौसम का मज़ा लेने के बहाने ही चलो हम लोग मछली मारेगा बोल के हम लोग ऐसे सडनली प्लानिंग कर लिया था। तो अभी मछली मार के बहुत मज़ा लग रहा है, और हो सकेगा तो आप भी आइए मौसम का मज़ा लेने के लिए और साथ ही साथ फिशिंग करने के लिए भी आइए। ऐसे मौसम में तो फिशिंग और मौसम का जो फ्रेश फ्रेश हवा है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है मेरे हम सफ़र। अभी इन प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर वादियों को छोड़ के पासीघाट की ओर निकल रहे। मछली मिला नहीं है, सिर्फ दो मछली मिला है, उसको भी छोड़ दिया नदी में। दो मछली को ले जाके अभी क्या अभी जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से ये रास्ता हमको ले जाएगा पासीघाट। वो मेरा पत्नी दोनों चला गया। अभी जाते जाते आप सभी को ये बोलेगा कि कैसे लगाए किसने लगाए पता नहीं, हम लोग तो बहुत इंजॉय किया है। और अगर आप आता है तो आइए,